बंधुगण आज मुंक सहित एमती एक औषध सेयार करूँ जहाँकि आपणकर थंडा काश एवं छिंक भाई समस्या संपूर्ण भाव ठीक करदेव। यह छड़ा पानपतर प्रयोग कर आपण अनेक सारा रोग को मध्य ठीक करें। तेज चलतु जाणवा आज रिमेडी आम केमी बनवा यार सेवन किपर करीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखु। तापूर्वर यह भिडियो को गोटे लाइक करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एथिपाई आपण को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़ीबा ताहा उटे पानपत्र। कौनसी भी पान दुकान रु पानपत्र आपण को बहुत सहजरे मिलजिबा। पानपत्र औषधीय गुणर भंडार अटे किंतु पानर जदि आपण गुआ जर्दा मिसे खाइबे तेबे ताहा आपणकर शरीर पाई क्षतिकारक होइथाय। नहले एमिति जदि आपण पानपत्र सेवन करिबे तेबे एहा आपणकर स्वास्थ्य एवं सौंदर्य पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। जदि आपणकर गळारे कष्ट अछि बा गळा संक्रमण होइ अछि, माढ़ी जदि फुली जायछि बा सितुणिया भले समस्या अछि तेबे आपण पानपत्र को पानी रे फुटे सही पानी रे गार्गलिंग करंतु। देखिबा आपणकर एहि सब समस्या संपूर्ण भाव ठीक होइजिबा। थंडा काश ज्वर बा सही कारणरु जदि आपणकर गोड़ा हाथ एवं संपूर्ण शरीर बिंधु अछि तेबे आपण पानपत्र सेवन करी ठीक होई पारिबे। एबे जानिबा आमे एथिरे आउ कौन सब सामग्री मिसै आम शरीररु रोग को ठीक करी पारिबा। एथिपई आपण को द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़िबा ताहटे गोलमरीच। केवल गोटे पानपत्र एवं दुईटी गोलमरीचर आपण को एथिपई आवश्यकता पड़िबा। खाद्यर स्वाद बढ़ेबा सहित गोलमरीच आम इम्युनिटी को मध्य बढ़े थाए, आमर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़े थाए। यह छड़ा जदि आपण पानपत्र सहित गोलमरीचर सेवन करिबे तेबे जॉइंट पेन एवं आंठुगंठी बिंधारु मध्य आपण को बहुत आराम मिलिबा। जेउ मानकु आर्थराइटिस भली समस्या अछि सेमाने मते एहार सेवन करिपारिबे। एबे एथिपई आपण को तृतीय सामग्री आवश्यकता पड़िबा ताहटे लवंग। थरक पई आपण को केवल दुईट लवंगर आवश्यकता पड़िबा। लवंग आपणकर थंडा काश को ठीक करिबा सहित जो कफ आपणकर छाती रे जमा होई जाए ताहाकु काढ़िबार काम मध्य करिथाय। एबे एथिपई आपण को आवश्यकता पड़िबा जुआणी। केवल चिमुटाए जुआणी आपण एथिरे प्रयोग करंतु। जुआणी आम वातपित्त को शांत करिथाय, वातजनित रोग को दूर करिथाय एवं आर्थराइटिस भली समस्या रे मध्य बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। आपण देखिथिबे पानपत्र को पूजा आदि रे मध्य प्रयोग करा जाय थाए। पानपत्र धार्मिक महत्व हेबा सहित औषधीय महत्व भी बहुत अटे। अनेक जगार डेलीवरी परे पानपत्र जुआणी एवं कला लुण मिसई माँ को खाइबा को दिया जाए। यहाद्वारा कबच भले समस्या हो न थाए एवं आपणकर हजम ठीक रही थाए। यह छड़ा थंडा काश एवं कफ भली समस्या को मूलर शेष करिथाय। एबे एथिपई आपण आधा इंच लंबर गोटे छोट खंड अदा नियंतु एवं ताहाकु ग्रेट करी एथेरे पकेई दियंतु। आपण यहाँ दिनरे कोनसे समय रे सेवन करिपारिबे। खाद्य खाई सारिबा परे आपण यहार सेवन करिपारिबे। यहार सेवन परे आपण देखिबे आपणकर गोड़ा हाथ बिंधा मुंड बिंधा संपूर्ण ठीक होइजिबा। पानपत्र आपणकर शरीर रे गरम उत्पन्न करिबा। आपण को थंडा हेबा नाही एवं कबच भली समस्या मते हेबा नाही। एबे आपण एथिरे 4 रु 5 टी तुलसी पत्र मिसांतु। तुलसी पत्र आम शरीर पाई केते अधिक लाभदायक यह तो आपण समस्त जानिथिबे। हेले मन रखंतु एहार सेवन द्वारा आपणकर आखिनाकरु जदि पानी बहुछि बा अत्यधिक छिंक होउछि तेबे ताहा संपूर्ण ठीक होइजिबा। अनेक लोक छोट खंड पियाजर मते एथिरे प्रयोग करंती। पानपत्र रे पियाजर प्रयोग करि मध्य आपण एही समस्या को ठीक करि पारिबे। सेथिपाई मु आगरु वीडियो अपलोड करी रखी अछि, आपण चाहिले देखिपारिबे। आपण थरे एही रेमेडी रो प्रयोग करी देखंतु, देखिबे आपण को एथिरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देखिबा को मिलिबा। दिनरे केवल थरे आपण एहार सेवन करंतु। एबे आपण एहाकु भांगी नियंतु एवं एहाकु धीरे धीरे चोबेई एहार रस को ढोकी नियंतु। ध्यान रखिबे एथिरु जे रस बाहरिबा ताहाकु आपण फेंगिबे नाही, ताहाकु आपण को ढोकिबा को पड़िबा। जदि एमती चोबे खाइबारे आपण के भल लगुना तेबे आपण यह बाटी दियंतु एवं तापर यहार सेवन करंतु। आजर समय अनेक लोक
पानपत्र प्रयोग कर आरोग्य होदी कौन छोट पिलार पेट काटुचे तेब पानपत्र अल्प सोरष तेल लगातु एवं अल्प गरम कर पिलार पेट उपर रखु देखिए छोट पिला पेटे कष्ट ठीक होदी छोट पिला छाती में कफ जमी अच्छी तेरे छाती में रखु देखिए छाती में जमा समस्त कफ बाहरी यह छड़ा आपण चाहिए पानपत्र काढ़ा बनई सेवन करें प्रथम आपण एक पत्र ग्यास बसातु एवं से एक ग्लास पा ढाला एवं आपण से दुईट पानपत्र को भल भाव धोई मिशात पानपत्र को एमती छोट छोट खंडे छिड़े आपण से प्रयोग करूँ एवं आपण ए चारु पांच टी तुलसी पत्र पकई दिंतु एवं यार टेस्ट बढ़ेवाई आपण ए अल्प जुआणी एवं गुड़ मिशात जदि आपण को पान चोबे चोबे खाइबा पसंद नुहे तेब आपण यहपर काढ़ा बन सेवन करें थंडा काश एवं कफ भली समस्या को संपूर्ण ठीक करदेव एवं मुंडबिंधर आपण को आराम मिल आपण यह पांच रु दस मिनिट भल भाव बॉइल करूँ यह छड़ा पानपत्र एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिलता है फल आपण शरीर अनेक प्रकार चर्म रोग को ठीक करथाय पानपत्र को बाटी जदि आपण स्किन इनफेक्टेड एरिया रे तार लेप देबे तेबे आपणकर जेकोणसी प्रकार फंगल इनफेक्शन होइथाउ ताहा संपूर्ण भाव ठीक होइजिव पानपत्र रस रे अल्प नड़िया तेल मिसई जदि आपण निजर केशर लगेबे तेबे आपणकर केश झड़ीबा बंद होइजिव एवं धळा केश भले समस्या मध्य ठीक होइजिव एक ग्लास पानी फुटी फुटी आधा ग्लास होइकले आपण एहाकु छाणी नियंतु एवं एहाकु गरम गरम ही सेवन करंतु छोट पिलाठ आरंभ कर वृद्ध व्यक्ति यार सेवन करें पानपत्र आपण ही समस्त सामग्री मिसई आपण यह चोबे चोबे खाईपर आपण यार यहपर काढ़ा प्रस्तुत कर गरम गरम यार सेवन करें देखिए आपणकर भयंकर भयंकर थंडा काश कफ एवं छिंक आखि एवं नाकुरु पानी गड़ा भाई समस्या संपूर्ण भाव ठीक हो यार थरे प्रयोग कर देखु एवं आपण को कौन फायदा मिलला वीडियो रे कमेंट कर निहाती जनातु तेब आपण को ये वीडियोटी किपर लगला आमको निश्चय कमेंट कर जनातु एवं वीडियो को गोटे लाइक करूँ धन्यवाद।